नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव हमेशा से आपको जो है बड़ी खबरें देती है और ऐसी खबरें देती है जिसके आगे आप विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह लगाने पे मजबूर हो उठते हैं। ऐसी एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां जितने भी दल हैं बिहार के भीतर वो सभी अपनी अपनी तैयारी को पूरी करने का जो है पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम भी आई हुई थी, वो चुनाव का जो डेट है उसको फाइनल करने में लगी हुई है। 2 दिवसीय उनका यात्रा था ऐसे में, और जो ये जो दौरा था इसके बाद से जितने भी घटक दल हैं, चाहे आप महागठबंधन की बात करें या एनडीए के घटक दलों की बात करें, सभी जो है सीट शेयरिंग पे जल्द से जल्द जो है सारा मसला निपटा लेना चाहते हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी के बाहर अगर आप एक बड़ी बड़ी लंबी कतार देख रहे होंगे, सबका जो है प्रोफाइल जमा हो रहा है, बायोडाटा जमा हो रहा है, सभी नेता इस जुगत में है कि किसी तरह जुगाड़ से भी एक टिकट जो है उनके नाम का जारी हो जाए, जिससे कि वो इस बार 2020 मुकाबला में जो है सामने आ पाए और मेन पिच पे आकर के जो है बैटिंग कर सके। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने से आ रही है कि राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने 50 विधायकों का जो है वो नाम फाइनल कर लिया है और इसकी सूची भी जो है लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे जगह से, बहुत सारे सोर्सेस से ऐसी सूची आई है और इसे हम आपको पढ़ के भी सुनाएंगे अभी कि राष्ट्रीय जनता दल के नाम से एक जो चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें वो सूची का जो एक लिस्ट है, कैंडिडेट का लिस्ट है, किस विधानसभा से किस कैंडिडेट का नाम फाइनल हुआ है। ये जो चिट्ठी है बेहद आपको चौंकाने वाला है। आपको बता देते हैं कि किस तरह से 50 विधानसभा का जो है एक लिस्ट बनाया गया है। हालांकि भारत लाइव की टीम इस चिट्ठी की तो पुष्टि नहीं करती है, जो कहां से कितने मतलब कहां के कौन कैंडिडेट है इसकी बात की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन ये चिट्ठी जो है सोशल मीडिया पर जो है सुर्खी लगातार बटोर रहा है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में किनका किनका नाम है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये जो चिट्ठी वायरल हो रही है उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के 51 उम्मीदवार का टिकट फाइनल। इसके बाद जो है आपको सबसे नंबर 1 पे जो आते हैं, रायगढ़ से सुधाकर सिंह का नाम है, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, महनार से मुकेश रोशन, अगर बात करें मोरवा से अजय मेहता, करगहर से रमेश चंद्र दुबे हैं, गुरुवा से विनय यादव हैं, सुगौली से शशिभूषण सिंह हैं, हसनपुर से तेज प्रताप यादव, जी हां हसनपुर से तेज प्रताप यादव जी का नाम है, राघोपुर से तेजस्वी यादव, फुलवार शरीफ से श्याम रजक, फुलवारी शरीफ की बात करें यहां से जो श्याम रजक जदयू से जो तुरंत अभी आपको महागठबंधन का रुख किए थे राजद में गए थे, तो फुलवारी शरीफ से श्याम रजक जी का नाम है, सीतामढ़ी से राजकिशोर कुशवाहा जी का है, बोचहा से मेजर राजकुमार रजक का है, सकरा से सतीश पासवान का है, बेलसंड से रामानंद यादव का है, कांटी से इसराइल मंसूरी का है, साहेबगंज से बात करें तो राम विचार राय जी का नाम है, मीनापुर से राजीव कुमार राय का है, कुढ़नी से बबलू कुशवाहा का है, अराई से सुरेंद्र यादव का है, दानापुर से राबड़ी देवी का नाम है, यानी कि दानापुर से जो है स्थिति की माने तो दानापुर से राबड़ी देवी इस बार स्वयं जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर से राबड़ी देवी लड़ेगी। गायघाट से अशोक सिंह का है, झंझारपुर से एक बड़ी बात आ रही है, झंझारपुर से गंगा प्रसाद गंगोत्री जी का नाम है, नरपतगंज की बात करें तो अनिल यादव जी का नाम है, सहरसा से अरुण यादव का नाम है, अरवल से रविंद्र सिंह का है, सासाराम से अशोक कुमार का है, केसरिया से राजकुमार माफ कीजिएगा केसरिया से राजेश कुमार है, ढाका से अगर बात करें तो फैजल रहमान जी का है, अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का है, यानी कि अगर बात करें तो इस बार अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का नाम है इस लिस्ट में, समस्तीपुर से इस्लाम शाहीन जी का नाम है, पातेपुर से शिवचंद्र राम जी का है, राजा पाकर से अनिल साधु जी का है, महुआ से गुड्डू यादव, खजौली से सीताराम यादव, पिपरा की बात करें तो यदुवंश यादव का है, दरभंगा ग्रामीण से हैं ललित यादव जी हैं, सोनपुर से रामानुज प्रसाद हैं, फतुहा से रामानंद यादव है, मनेर से भाई वीरेंद्र का टिकट फाइनल माना जा रहा है, काराकाट से बात करें तो संजय सिंह हैं, अत्री से कुंती देवी हैं, झाझा से रविंद्र यादव हैं, छपरा से रणधीर सिंह हैं, बाजपट्टी से सुधीर यादव जी हैं, रूनी सैदपुर से मंगिता देवी हैं, मोकामा से अनंत सिंह है, राजनगर से अगर बात करें तो राम अवतार पासवान हैं, वैशाली से
विल्सन पटेल जी हैं, बाढ़ से लवली आनंद जी का नाम जो है बाढ़ से आ रहा है, और बाबू बढ़ी से बात करें तो उमाकांत यादव जी का नाम है। ये चिट्ठी जो है लगातार सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि राजद ने अपने जो है जो 51 विधानसभा क्षेत्र है उनसे जो है कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है, और बाकायदा इस चिट्ठी में जो है ये लिस्ट भी जो है रेगुलर वायरल हो रही है। ये जो है सोशल मीडिया पर ये चिट्ठी जो है लगातार जो है वायरल हो रही है। आपको बता दें इसके साथ ही जो ग्रामीण स्तर पर चलने वाले या लोकल स्तर पर चलने वाले बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो इस चिट्ठी को लगातार सर्कुलेट भी कर रहे हैं और इस पे जो है दावा भी कर रहे हैं कि राजद में के विश्वास, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये राजद के भीतर खाने से ये चिट्ठी आई है, और इन्होंने जो है इस बात पे दावा कर रहे हैं सभी लोग कि 51 विधानसभा क्षेत्र के जो इस बार के राजद से प्रत्याशी होंगे, यानी कि राजद से किनको फाइनल टिकट मिलने वाला है, इस पे जो है विचार हो गया है, उन सभी लोगों का नाम उजागर हो गया। हालांकि भारत लाइव की टीम इस चिट्ठी पे जो है आपको भारत लाइव की टीम इस पे आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे रही है, ये चिट्ठी की सत्यता का जो है बात भारत लाइव की टीम नहीं कह रही है, लेकिन ये चिट्ठी जो है जो आपको 51 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, 51 विधानसभा क्षेत्र के राजद के उम्मीदवारों के नाम से जुड़ा हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खी बटोर रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है, बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।